फाइनली फेसबुक का बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन अपडेट आ गया है, यानी कि 600 के मिनट्स का जो क्राइटेरिया था वो लगभग खत्म हो गया। इन स्ट्रीम एड्स में बदलाव हुए हैं, लाइव मोनेटाइजेशन में बदलाव हुआ है, लैंग्वेज में बदलाव हुआ है, और भी बहुत कुछ चेंज हुए हैं। अगर आप फेसबुक के क्रिएटर हो, अगर आप फेसबुक पे वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आप फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या बदलाव हुआ उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So, चलिए इस अपडेट को बारीकी से समझने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, जो कि इस साइड चल रहा होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देता हूं वो आपको रियल एंड जेन्युइन देता हूं और लाइव प्रूफ के साथ देता हूं, ठीक है। तो यहां से गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको भी सर्च करना है फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल्स। जैसे ही फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल्स लिख के सर्च कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन मेटा फॉर क्रिएटर्स, ठीक है। देन आपको इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जो कि मेटा फॉर क्रिएटर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। क्रिएटर को जो भी अपडेट मिलता है इसी पे मिलता है, ठीक है। यहां पे आने के बाद यहां से आपको क्या करना है कि यहां से देखिए एक थ्री लाइंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। थ्री लाइंस पे क्लिक करके देखिए यहां पे टूल्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टूल्स पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपको इन स्ट्रीम एड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन स्ट्रीम एड्स पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने यहां पे सी रिक्वायर का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। देन आपको सी रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सी रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इन ऑर्डर टू यूज इन स्ट्रीम एड्स योर पेज एंड कंटेंट यू मस्ट बी कंप्लीटेड फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, बी लेटेस्ट 18 इयर्स ओल्ड एंड लाइव इन कंट्री एलिजिबल फॉर लाइव मिनट्स, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ कंट्री वगैरह में चेंज हुए हैं और क्या क्या चेंज हुए हैं वो फेसबुक यहां से बता रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। वीडियो ऑन डिमांड का क्या मतलब होता है अब आप लोग बोलोगे, तो वीडियो ऑन डिमांड का मतलब भैया वो होता है कि जब आप फेसबुक के ऊपर वीडियो डालते हो, ठीक है, बिना किसी लाइव के, बिना किसी रील्स के, जो आप डायरेक्टली वीडियो पोस्ट करते हो उसी को वीडियो ऑन डिमांड बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहा है, टू क्वालिफाई योर पेज मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर आप मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसके जो क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हो तो ये आपका इन स्ट्रीम एड्स के लिए मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहां से क्या कर रहा है, मिनिमम 10K फॉलोअर्स, भैया आपको 10,000 फॉलोअर्स करने ही करने हैं, ठीक है, इन स्ट्रीम एड्स के लिए, ठीक है। आपको अदर मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, अच्छे से समझिएगा, केवल ये इन स्ट्रीम एड्स के लिए, ठीक है। आपको एड्स ऑन रील्स के लिए 10,000 फॉलोअर्स करने का जरूरत नहीं है, स्टार मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 करने का जरूरत नहीं है, भैया वो भी मोनेटाइजेशन ही है। आप लोग दिमाग में पता नहीं क्या बैठा के रखे हो भाई कि भैया हमको मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना है, लेकिन भैया मोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइजेशन नहीं होता। मोनेटाइजेशन का मतलब अगर आप पैसे कमा रहे हो वो आप फेसबुक के पार्टनर पॉलिसी को फॉलो करोगे, अगर उससे आप एक भी रुपया कमा रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका फेसबुक मोनेटाइज है, यानी कि आप एड्स ऑन रील्स के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो, स्टार के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। तो चलिए यहां पे मैं आपको इन स्ट्रीम एड्स में और लाइव मोनेटाइजेशन में और भी क्या क्या चेंज हुए टोटल समझा रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको 10,000 फॉलोअर्स का क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है, साथ ही आपको 6,00,000 मिनट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है 60 दिनों के अंदर। तो आप बोलोगे कि भैया आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अब 6,00,000 मिनट्स का क्राइटेरिया लगभग खत्म हो गया, भैया लगभग खत्म हो गया, वो कैसे हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दिस इंक्लूड ऑन डिमांड, ठीक है, ये वीडियो जो इंक्लूड करना है वो आपको ऑन डिमांड वीडियो पे करना है, ठीक है। और ऑन डिमांड वीडियो क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लाइव और प्रीवियसली लाइव वीडियोस, ठीक है। देखिए अब यहां पे एक और चीज जोड़ दिया है, ठीक है, कि अगर आप ऑन डिमांड के साथ साथ अगर आप लाइव आते हो वो भी आपको इन स्ट्रीम एड्स के लिए मोनेटाइजेशन के लिए वो आपको काउंट होंगे, और लाइव के साथ साथ प्रोफेशनली लाइव। प्रोफेशनली लाइव का मतलब क्या होता है कि भैया आप जो लाइव आने के बाद जो आप अपने वीडियो को पोस्ट कर देते हो तो उसपे भी तो व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, तो उसपे आप वॉच टाइम देते हैं, ठीक है, तो वो भी वॉच टाइम आपका इन स्ट्रीम एड्स के लिए फेसबुक पे काउंट होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आगे समझिएगा कि यहां से कह रहा है दिस डज नॉट इंक्लूडेड मिनट्स व्यूज फ्रॉम क्रॉस पोस्ट। अगर आप फेसबुक पे क्रॉस पोस्ट करते हो तो उसका मिनट आपको काउंट नहीं होगा। बूस्टेड पोस्ट, अगर आप फेसबुक से बूस्ट करके या फिर कोई भी पैसे लगाकर अगर आप वॉच टाइम गेन करते हो तो ये फेसबुक के क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगा। आप लोग बहुत बोलते रहते हो ना कि सर हम फेसबुक के जो है कहीं से फॉलोअर्स खरीद लेंगे, कहीं से वॉच टाइम खरीद लेंगे तो मेरे फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाएगा, तो भैया ऐसी गलती मत करना। अगर ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो करके बताता भी है तो वैसे लोगों के फेरा में मत फंसना। अगर आप किसी वेबसाइट से फॉलोअर्स खरीदते हो या फिर कहीं से भी आप वॉच टाइम गेन करने का प्रयास करते हो तो भैया आपका फेसबुक
मोनेटाइज नहीं होगा। यहां पे न्यू अपडेट में फेसबुक ने साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। और यहां से कुछ चेंज हुआ है, देखिए, पेज हैज लास्ट 5 एक्टिव वीडियो। अब बोलते हो कि भैया 5 एक्टिव वीडियो का मतलब क्या होता है, तो 5 एक्टिव वीडियो का मतलब वो होता है कि जो आपने 5 वीडियो पोस्ट किया उस पर थोड़े थाक व्यूज आना चाहिए, एकदम से रुकना नहीं चाहिए भैया, 28 दिन के अंदर उस पर 10-20-50 व्यूज भी आएंगे तो वो आपको एक्टिव वीडियोज में काउंट होगा, ठीक है। और यहां से क्या करा, एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लाइव, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा और आगे मैं बताऊंगा कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। अभी तो ये बेसिक है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। समझिएगा कि अब लाइव के लिए क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट खोज रहा है, तो यहां से करा रहा है एट लिस्ट, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है कि भैया जो 60,000 मिनट्स का क्राइटेरिया है लाइव के लिए, उसमें से आपको जो 6,00,000 मिनट्स का व्यूज क्राइटेरिया है ना, वो 60 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने इन स्ट्रीम एड्स के लिए जो आपने 6,00,000 मिनट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है ना, उसमें से अगर आपका 60,000 मिनट्स का जो क्राइटेरिया है वो आपके लाइव वीडियो और प्रीवियसली लाइव वीडियो से आ जाते हैं, तो आपका लाइव मोनेटाइजेशन इनेबल्ड सिंपली कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहां से 5 एक्टिव वीडियो में कम से कम आपको 3 बार लाइव आना होगा, 3 जो एक्टिव है वो आपको 3 एक्टिव प्रोफेशनल लाइव वीडियो खोज रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहा है, दैट यू क्रिएटेड बाय दिस डज नॉट इंक्लूडेड एक्टिव क्रॉस पोस्ट वीडियोस, यहां पे आपको एक्टिव क्रॉस पोस्ट वीडियोस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां से अब देखिए भैया, अब अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या क्या और भी बदलाव हुए हैं। और देखने के लिए यहां से देखिए आपके सामने एक कंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन आपको कंट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंट्री पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देन आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहां पे क्या लिख रहा है, इन स्ट्रीम एड्स आर अवेलेबल इन दिस कंट्रीज, ठीक है। तो भैया कौन कौन कंट्री है, तो इसमें अभी भी आपको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहां पे इंडिया में जो है फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइजेशन ये लागू है, लेकिन भैया ये पाकिस्तान में लागू नहीं है, नेपाल वगैरह में अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है। तो भैया जितने भी नेपाल वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, तो अभी नेपाल ये सब कंट्री में आपको इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लीजिएगा मेन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। जैसे ही यहां पे क्या लिख रहा, इन स्ट्रीम एड्स आर अवेलेबल इन दिस लैंग्वेज, भैया अब इन स्ट्रीम एड्स को लैंग्वेज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो भैया यहां से देख लीजिएगा कि बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन यहां पे उर्दू पे स्टार लगा हुआ है, गुजराती पे स्टार लगा हुआ है, भोजपुरी पे स्टार लगा हुआ है। तो भैया ये स्टार का क्या मतलब होता है, ठीक है। जो भी लैंग्वेज पे स्टार लगे हुए हैं, तो देखिए क्या कर रहा है, स्टार दिस लैंग्वेज आर सपोर्टेड ओनली फॉर इन स्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, नॉट इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितने भी आने की भोजपुरी लैंग्वेज पे आपको इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइजेशन तो हो जाएगा, ऑन डिमांड वीडियो मोनेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप भोजपुरी लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हो, भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हो, तो ये आपका लाइव मोनेटाइजेशन नहीं होगा। अगर आप उर्दू में अपने वीडियोस को बनाते हो तो ये आपका लाइव मोनेटाइजेशन नहीं होगा, बल्ले ये आपके ऑन डिमांड वीडियोस, मतलब आप जो वीडियो पोस्ट करोगे वो आपको इन स्ट्रीम एड्स के लिए मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको लाइव वीडियोज, ये 3 लैंग्वेज में आपको लाइव वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगे, जो कि फेसबुक का बहुत बड़ा अपडेट है। जो भी मगही बोलते हैं, जो भी भोजपुरी बोलते हैं, जो भी उर्दू बोलते हैं और जो भी आती बोलते हैं ना, इनके लिए थोड़ा सा सैड वाला अपडेट है, लेकिन भैया ये आपको इन स्ट्रीम एड्स तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन ये आपको लाइव मोनेटाइजेशन में अगर आप मोनेटाइज कर देते हो तो इस पे कोई भी एड्स नहीं चलेंगे, ठीक है। पे लर्न मोर में क्या कर रहा है, वीडियोस इन मल्टीपल लैंग्वेज, अगर आप अपने वीडियोस को मल्टीपल लैंग्वेज में बनाते हो तब भी भैया संभल जाना, अगर भी बहुत सारे क्रिएटर है जो अपने वीडियोस को 2-4-5 लैंग्वेज में मिक्स करके बनाते हैं, तो भैया आप यहां पे संभल जाना। आप अगर 2-4-5 लैंग्वेज का यूज करके एक में घुसाकर अपने वीडियोस को बनाते हो तब आपका इन स्ट्रीम एड्स के लिए मोनेटाइज के लिए सपोर्ट नहीं होगा। तो भैया वीडियोस भी बनाना है तो केवल एक लैंग्वेज में बनाना। देखिए बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर हैं जो कि अपने वीडियोस को बनाते हैं मगही में या फिर बहुत सारे लैंग्वेज में बनाते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में, और वहां से क्या करते हैं कि फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करने के दौरान वहां पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो पोस्ट कर देते हैं और वहां पे लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट करते हैं, यानी कि फेसबुक को नहीं बताते हैं कि मैं कौन से लैंग्वेज में अपने वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो वहां से आपको क्या होगा, आपके वीडियोस पे जितने भी प्रचार चल रहे थे सबको बंद कर दिया जाएगा, आपके वीडियोस तो चलेंगे लेकिन आप उससे अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो भैया वीडियो पोस्टिंग के दौरान अब आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार बात, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि अब 600K जो मिनट्स का क्राइटेरिया है
वो लगभग फेसबुक ने खत्म कर दिया। वो कैसे खत्म कर दिया था कि पहले फेसबुक अगर आप मोनेटाइज करते थे तब लोग कहते थे कि भैया आप 3 मिनट्स की ऊपर की वीडियो डालोगे तभी आपका वॉच टाइम काउंट होगा। लेकिन फेसबुक ने जब नया अपडेट लाया था उसी वक्त फेसबुक ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई सा भी वीडियो डालते हो तब भी उसका वॉच टाइम काउंट होगा। मतलब कि अगर आप रील्स बनाते हो ना भैया उसका भी वॉच टाइम काउंट होगा फेसबुक मोनेटाइजेशन मिनट्स के लिए। तो भैया अब तो मिनट्स का टेंशन लेने का ही नहीं है, आपको केवल और केवल यहां जो है 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। और आपको क्या करना है कि अगर आप छोटे छोटे वीडियो भी बनाते हो ना स्टोरी वगैरह जो कि 1-2 मिनट के पोस्ट करते हो उसका भी वॉच टाइम मिनट काउंट होगा। तो भैया देर मत करो, फेसबुक आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है और बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका दे रहा है। तो देर मत करो, अभी फेसबुक पर वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट कर दो और फेसबुक से पैसे कमाने के लिए स्टार्ट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और एक कमेंट तो जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।